देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। दिल्ली 2025 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसी के चलते सभी पार्टियां अपने अपने रणनीति बनाने में जुटी हैं। दिल्ली में नीतीश कुमार की पार्टी जन्मदिन यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होने के कारण पिछले चुनाव में भी बड़ी विधानसभा की सीट जनता दल यूनाइटेड की झोली में गई थी, जिसमें शैलेंद्र कुमार प्रत्याशी रहे। 2025 के चुनाव में भी जनता के लिए हैंड राइटिंग बुराड़ी विधानसभा की सीट अपने दिल्ली परिषद अध्यक्ष के लिए मांग रही है, और इसी को लेकर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने इब्राहिमपुर के एक फार्म हाउस में दीपक कुमार गुप्ता और जय गौरव सिंह के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं को चिंता तेल यूनाइटेड की जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता दिलाई। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने कहा कि आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमारे दो प्रिय नेता, दो सामाजिक नेता, एक दीपक गुप्ता और दूसरे गौरव सिंह ने नीतीश के विचारों से और पार्टी की नीति और सिद्धांतों से प्रभावित होकर हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन की है। मैं अपने प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, क्योंकि मैं जनता दल यूनाइटेड का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूं, मेरे द्वारा अपने दिए गए पदक शक्तियों के आधार पर मैंने दीपक गुप्ता को दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष बरारी का संगठन का प्रभारी बनाया है, और दूसरे जो हैं गौरव सिंह को पूरे दिल्ली प्रदेश का युवा प्रभारी बनाया गया। युवा अध्यक्ष हैं जो दिल्ली का युवा अध्यक्ष के ऊपर यह होंगे और पूरे दिल्ली के युवा के प्रभारी होंगे। प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि आज अराजकता का माहौल है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, ग्राम सभा की जितनी जमीन है काट के भेज दी गई और गलियों के पत्थर बार बार उखड़ जाते हैं, गली बार बार तोड़ी जाती है और बनाई जाती है। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती की और दूसरे जो हमारे राष्ट्रीय लाल बहादुर शास्त्री जी को जन्मदिन की शुभकामना के शुभ अवसर पे हमारे दो प्रिय नेता, दो सामाजिक नेता, एक श्री दीपक गुप्ता जी और दूसरे श्री गौरव सिंह जी ने नीतीश जी के विचारों से और पार्टी के नीति और सिद्धांतों से प्रभावित होकर हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किया है। मैं अपने प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, चूँकि मैं जनता दल यूनाइटेड का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मेरे द्वारा अपने दिए गए प्रदत्त शक्तियों के आधार पर मैंने श्री दीपक गुप्ता जी को दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष सह बुराड़ी का संगठन का प्रभारी बनाया हूँ। साथ ही दूसरे हमारे जो भाई आज हमारे साथ आए हैं श्री गौरव सिंह जी को पूरे दिल्ली प्रदेश का युवा का प्रभारी बनाया हूँ। युवा अध्यक्ष जो है पूरे दिल्ली का, युवा अध्यक्ष के ऊपर ये होंगे पूरे दिल्ली के युवा के जो विंग है, युवा विंग के ही प्रभारी होंगे। आज की गांधी जी का जन्मदिन, उनके बचाए हुए सिद्धांतों पर युवाओं को आप क्या प्रेरणा देंगे, क्योंकि उनके बताए हुए सिद्धांतों पर चलना बहुत जरूरी है और लोग कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। आज चूँकि गांधी जयंती है, मैं अपने युवाओं को, मैं अपने साथियों को आज यही प्रेरणा देंगे कि सत्य अहिंसा पर चलते हुए देश में जिस तरह से, प्रदेश में जिस तरह से अराजकता है, आज अराजकता का माहौल है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जमीन ग्राम सभा की जितनी ज़मीनें हैं काट के बेच दी गई, गलियों के पत्थर बार बार उखाड़े लगाए जाते हैं, गली बार बार तोड़े और कोड़े जाते हैं, चुनाव से पहले सभी गलियां बराबर कर दी जाती है, लेकिन 4 साल हमारे जनप्रतिनिधि कहीं नहीं दिखते हैं। तो हम आज के युवा पीढ़ी को यही कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग
हमारे इस परिवर्तन के मुहिम में शामिल हों। जैसा कि मैंने मंच से आज घोषणा किया है कि अगर मुझे अवसर मिला तो दिल्ली का सर्वश्रेष्ठ विधानसभा के रूप में डेवलप होगा, अन्यथा मैं बुराड़ी छोड़ दूंगा। दूसरा मेरा है कि अगर महिलाओं को, जो हमारे जितने प्रवासी महिलाएं हैं, यहाँ के क्षेत्रीय महिलाएं हैं, महिलाओं को मैं रोजगार देने में हम अपने नेता की तरह, हमारे अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार जी के पद चिन्हों पर चलते हुए, मैं महिलाओं को सर्वप्रथम रोजगार मुहैया कराने का पूरे बुराड़ी क्षेत्र में काम करूंगा। बुराड़ी में कहीं ना कहीं अभी भी गंदगी का अंबार है, और गांधी जी ने स्वच्छता का एक अभियान चलाया था और उन्होंने संदेश भी दिया था, लेकिन आज के दिन भी बुराड़ी में लोगों का निकलना मुश्किल है गंदगी से, क्या कहेंगे? मुझे अफसोस है कि मैं गांधी के इस देश में गांधी जयंती जरूर मना रहा हूँ, गांधी के नाम पर राजनीति करने वाले, अन्ना हजारे के नाम पर राजनीति करने वाले, बड़े बड़े दावे करने वाले, आज स्थिति ये है कि बुराड़ी में कोई ऐसी गली नहीं है जिस गली से आप बिना नाक पर कपड़ा रखे हुए गुजर जाएं। यहाँ की जिंदगी बिल्कुल ही आम जीवन नारकीय है, जीवन लोग किसी तरह जीवन बसर कर रहे हैं। अगर अगला बार अगले कार्यकाल में सुरेंद्र कुमार जी प्रदेश अध्यक्ष ने ज्वाइन कराया है, देखिए हमारे बड़े भाई श्री सुरेंद्र कुमार जी ने अगर मुझे ज्वाइन कराया तो कहीं मेरे पर विश्वास भी जमाया होगा और कुछ मेरी कार्यशैली भी देखी होगी, और मैं भाई साहब के साथ कदम से कदम मिला के श्री नीतीश कुमार जी की पार्टी को आगे लेके जाऊंगा, और पूरे दमखम के साथ ये बुराड़ी विधानसभा की बार भैया को जिताएंगे आपकी बार, और ये सहरा भैया के साथ साथ हम सब का भी बनेगा और बुराड़ी का विकास होगा। दीपक जी कितने कार्यकर्ताओं को लेकर साथ आज शामिल हुए? अप्रोक्स 200-250 कार्यकर्ता थे, मैं गिनती होने के लिए कितने थे। दीपक जी आप नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं और बुराड़ी विधानसभा में कौन कौन सी समस्याएं होंगी जो आपकी प्राथमिकता होंगी? देखिए मैं आज देखो दुर्भाग्य कह लो सौभाग्य कह लो, मैं आज आपको बताऊँ, हमारे महात्मा गांधी जी स्वच्छता को लेकर साउथ अफ्रीका से आए थे, दक्षिण अफ्रीका से, और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका जब वो आए तो एक मुहिम छेड़ी देश के अंदर, वो कहाँ छेड़ी आपको शायद ना जानकारी हो, मैं जानकारी कराता हूँ आपको। दिल्ली के कैंप के अंदर, किंग्सवे कैंप के अंदर एक गांधी आश्रम बना हुआ है, 1931 से लेकर 1940 तक महात्मा गांधी वहाँ रहे, स्वच्छता आश्रम, और वहाँ पे एक इंग्लिश और एक इंडियन शीट लेकर आए थे वो वहाँ से, और उन्होंने शीट को लगा के लोगों को जागरूक किया कि आप इसके अंदर शौच करें और इसके अंदर पानी डाल के इसको बहा सकते हैं नाली के अंदर, माध्यम से पाइप भी लेकर आए थे, उस मुहिम को उन्होंने इस तरह चलाया। लेकिन हमारे देश के अंदर आज 76 साल आज़ाद होने के बाद भी हम स्वच्छता की मुहिम को चला रहे हैं। 2 अक्टूबर 2014 वो हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये मुहिम को दोबारा छेड़ा, क्योंकि वो तो बिस्तर में बंद हो गई थी, वो फाइलों में बंद हो गई थी, इन्होंने दोबारा छेड़ा। आप सब जितने भी जर्नलिस्ट खड़े हुए हैं मेरे को एक बात का जवाब दें, आप पूरे रिंग रोड पर बाथरूम बता सकते हैं कहीं पर? सुलभ शौचालय बता दें, आपका पेट खराब हो बाथरूम बता दो, 76 सालों के देश को आजाद हुए कहाँ खड़े हम? आपने कोई चिप्स खा लिया, कुरकुरा खा लिया, कोई कोल्ड ड्रिंक पी ली, आप उसका डस्टबिन ढूंढ के दिखा दो पूरे रिंग रोड के ऊपर। मैंने इतने मुद्दे उठाए लेकिन मुद्दे फाइलों में दफन हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आज JDU के अंदर अगर आया हूँ तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं रोष है, कहीं ना कहीं मेरे कामों को लेके कहीं ना कहीं फाइलों को बंद किया गया है, और मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा बड़े भैया के साथ मिलके, कंधे कंधा मिलके इस मुहिम को आगे चलाएंगे जरूर। ठीक, प्रभावित होकर और आदरणीय शैलेंद्र जी के विचारों से प्रभावित होकर आज जनता दल यूनाइटेड के परिवार में शामिल हुआ हूं, और हमारा एक ही लक्ष्य है बुराड़ी विधानसभा में परिवर्तन लाना, आदरणीय श्री शैलेंद्र कुमार जी को यहां से विधायक बनाना और यहां बदलाव किया जाए। आप पहले भी संघर्ष करते रहे, पहले काफी वो थे, तमाम मुद्दों को उठाया, तमाम समस्याओं को उठा, अब क्या आपको प्लेटफॉर्म अच्छा मिल गया जहां आपकी बात? जी आज जनता दल यूनाइटेड का प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, अब अपनी समस्याएं और मजबूती के साथ मैं उठाऊंगा और बुराड़ी विधानसभा में परिवर्तन लाऊंगा। ठीक।